भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। पिछले दो दिनों से लगातार भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में और विशेष तौर से धर्मशाला में, धर्मशाला का कुछ इलाका जो शाहपुर के साथ में जुड़ता है, वहाँ बहुत क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, बहुत सारे मकान जो है वो ध्वस्त हुए हैं। और ये भी मुझे बताते हुए दुख है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले दो दिनों में दो लोगों की दुखद उसमें मृत्यु भी हुई है। 10 लोग कांगड़ा में उस इसके कारण जो है वो अभी तक उनकी तलाश जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। पिछले कल आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से हमारी बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद तुरंत उनने जो है एनडीआरएफ की टीम वहां पर भेजी है। वो रेस्क्यू ऑपरेशन में पिछले कल से ड्यूटी हुई है, पिछले कल से लगी हुई है। और पिछले कल बारिश के कारण थोड़ी उसमें बाधा रही, कठिनाई भी रही। आज सुबह 6 बजे से शुरू दोबारा कर दिया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन। और मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग जो जिनके बारे में अभी तक ये माना जा रहा है कि वो नहीं मिले हैं, मिसिंग हैं, तो उनको निकालने के लिए जो प्रयत्न किए जा सकते हैं, प्रयास किए जा सकते हैं, उसमें वो कामयाब होंगे। उसी प्रकार से सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में भी जो हमारी गिरी नदी है उसमें 4 लोग बीच में एक टापू जैसा है जहाँ पर वो फंसे हुए हैं, सुरक्षित हैं वो। और उसके लिए भी हमने एनडीआरएफ को कम्युनिकेशन दे दिया है चंडीगढ़ के लिए कि उनको एयरलिफ्ट ही करना पड़ेगा, चारों तरफ पानी है। तो वो भी एक प्रयत्न उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन का हमारा चल रहा है। मैं खुद देख रहा हूँ, जैसे मौसम थोड़ा ठीक होता है मैं खुद धर्मशाला जाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार सारे हालात को देख कर के आने। सर, हम ये जानना चाहेंगे जिस तरह से मौसम विभाग की एक बात तो मान करके चलिए कि बरसात के मौसम में इस प्रकार की परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में जो है वो हमको फेस करनी पड़ती है, अब की बार भी फेस करनी पड़ रही है। लेकिन प्रशासन को हमने आदेश दिए हैं कि जहां भी इस प्रकार की घटना घटित होती है, जितना जल्दी संभव हो सके वहां पर एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन और सड़कों को रिस्टोर करने के लिए, और उसके साथ साथ में लोगों को जो बाहर से पर्यटक आए हैं विशेष तौर से, जहां संभावना ज़्यादा लगती है कि इस प्रकार की घटना घटित हो सकती है, बादल फटने की, पानी में उतार चढ़ाव आ सकता है, तो ऐसे में वहां पर जो है उनको, टूरिस्ट को जाने से रोका जाए, इस बात को भी हमने सुनिश्चित करने के लिए कहा है।